न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है, साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,60,632 नए केस सामने आए हैं, 327 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के 3,623 मामले सामने आ चुके हैं। जानिए आज देश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 5,90,611 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,83,790 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कुल 40,863 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 3,44,53,603 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं कोविड के चलते लगी रोक को चुनाव आयोग ने कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के दौरान आगामी 15 जनवरी तक जनसभाओं, रैली और पदयात्राओं पर रोक लगा दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने शनिवार को पीसी में कहा कि 15 जनवरी के बाद स्थिति का जायजा लेने के बाद आयोग आगे का निर्णय लेगा। चंद्रा ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी, चुनाव नतीजों के बाद कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा, कोविड दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कानूनी कार्रवाई होगी, सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और मास्क जैसी कोविड से बचाव की सुविधाएं उपलब्ध होगी और कोविड की स्थिति को देखते हुए मतदाता केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। देश में कोविड 19 संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच वैक्सीन की अतिरिक्त डोज यानी प्रिकॉशन डोज देने की तैयारी हो गई है। कोविड 19 वैक्सीन की एहतियाती खुराक के लिए पंजीकरण अब कोविन प्लेटफॉर्म पर लाइव है। प्रिकॉशन डोज के लिए शनिवार से आवेदन शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक विकास शील ने शनिवार को कहा कि स्वास्थ्य सेवा, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड 19 वैक्सीन की ऐतिहासिक खुराक के लिए पंजीकरण अब कोविन प्लेटफॉर्म पर लाइव है। कोविड 19 वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक लेने वालों को कोविन पोर्टल पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक विकास शील ने उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि स्वास्थ्य सेवा, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रिकॉशन डोज के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा अब कोविन पर लाइव है, जैसा कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया था। एहतियाती खुराक 10 जनवरी से दी जानी है। वहीं संभल में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान वर्ग का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक नहीं, सिर्फ इत्तेफाक हुआ। और क्या कुछ कहा वर्ग ने, आप भी इसको जरा सुनिएगा। और रहनी चाहिए उनकी तो उनका जो राइट है, सुरक्षा का जो राइट है गवर्नमेंट के जो आइन के एतबार से जो हमारा लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट ने उसने उस ला के अंदर जो सुरक्षा रखी है वो उनको प्रोवाइडेड है। नहीं, पंजाब में जो हुआ ऐसा बवाल मचा हुआ है, तो उनका हादसा हो गया कैसे हो गया ये तो वो जाने, हम इसमें कुछ नहीं दखल दे सकते। मुरादाबाद जनपद के मूढ़ा पांडे क्षेत्र के राजेंद्र इंटर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम लिहाफ कंबल वितरण के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम का फूलमालाओं से जोरदार भव्य स्वागत किया। कमल लिफाज वितरण में पहुंची जनता को सांसद जफर इस्लाम ने सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी और नीतियों के बारे में लोगों को बताकर जागरूक भी किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हर कार्यकर्ता का दायित्व एक ही है कि समाज की सेवा करना है। आज भी जो प्रोग्राम यहाँ पर डॉक्टर राकेश सिंह जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इस समाज में जो कंबल वितरण में जो गरीब लोगों को इस मौसम में शीतलहरी में कहीं ना कहीं उनके काम आने के लिए आज उन्होंने रजाई और कंबल वितरण करने का जो प्रयास किया है,
उनके हाथ को बटाने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। साथ साथ और भी कई प्रोग्राम है हमारे, इसलिए कि मैं डीएम से मिला और चीफ मेडिकल ऑफिसर से मिला, इसलिए कि ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है तेजी से। भाजपा के धामपुर विधायक अशोक राणा ने आज अपने निजी स्कूल में महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन करते हुए महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया है। इस सम्मान समारोह में भारी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर हिस्सा लिया। इस सम्मान समारोह में आशा वर्कर और समूह सदस्य महिलाएं सहित आंगनवाड़ी महिलाएं शामिल हुई। धामपुर के भाजपा विधायक अशोक राणा ने बताया कि उनके पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने अपने निजी स्कूल से आज महिलाओं को सम्मानित करते हुए उनको सम्मान देने का काम किया है। इस अवसर पर 16,000 से अधिक महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर उनका उत्साहवर्धन किया। ये एक्चुअली मेरे स्कूल के पिताजी के नाम पे मास्टर होल सिंह मेमोरियल ट्रस्ट हम लोगों ने बना रखा है, जिसमें वक्त वक्त पे हम गांव शहर की गरीब महिलाओं की सहायता करने के उद्देश्य से उनके उत्साहवर्धन के लिए तरह तरह के कार्य करते रहते हैं। चाहे गरीब बेटियों की शादी जब सरकार की तरफ से भी शुरू नहीं हुई थी, पिछले विधायक के कार्यकाल में 2007 से 2012 के बीच में। रामपुर में रोड किनारे मिला युवक का शव, उस शव के मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक के भाई ने ससुरालियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामला बता दें आपको कि रामपुर के थाना शाहबाद क्षेत्र के गांव परोता का है, जहां ओमपाल नाम के युवक का शव मृत अवस्था में मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस, क्षेत्रीय सीओ पहुंचे, जहां बारीकी से जांच पड़ताल की गई। मृतक ओमपाल के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रामपुर जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं मृतक के बड़े भाई ने आरोप पत्नी सहित ससुरालियों पर लगाया है। इतना कोई नहीं है, आप उसका विवाद था, मियाँ बीवी में चल रहा। फिर तो मेरा छोटा भाई था वो। क्या नाम था उसका? ओमपाल सिंह। क्या करते थे ये? कुछ नहीं, खेती किसानी करते हैं। विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं था, आप उसमें ही वही झगड़ा हो जाता, छोटा मोटा हो ही जाता है मियाँ बीवी में। उसके बाद कहा कितने कोई बात नहीं है, वो अपने लड़ पड़े। लड़ने के बाद उसके महके वाले आए। ये लड़का लड़े थे? ये इसे हो गए करीब 5-6 महीने हो गए। अच्छा, 5-6 महीने वो लिवा कर ले गए। लिवा कर ले गए उसके बाद कहा कितना, फिर वो वहाँ से फ़ोन करते हैं इसे कि हम तुझे जान से मरवा के तब आएंगे। उसकी बीवी फ़ोन करती है, वो भी फ़ोन करते हैं कि हम दरोगा जी से भी मिल चुके हैं तेरे यहाँ। गोरखपुर में गीड़ा सेक्टर 13 के समीप क्रेजी बिस्किट फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें कई लोग झुलस गए। फैक्ट्री से करीब 100 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया। थाना गीड़ा अंतर्गत सेक्टर 13 के क्रेजी बिस्किट फैक्ट्री का ये पूरा मामला है। घटना पर अग्निशमन बल के जरिए आग पर काबू पाया गया, साथ ही मौके पर एसएसपी और सीएफओ गोरखपुर मौजूद रहे। चार बज के 35 मिनट पे फायर सर्विस का जो कंट्रोल रूम गोलघर है, इसको आग की सूचना मिली। सूचना मिलते ही गीड़ा में फायर स्टेशन जो स्थापित है वहाँ पर सूचना दी गई। वहाँ से 2 गाड़ियाँ प्रस्थान तुरंत हुई हैं घटनास्थल के लिए, जो एकदम पास में शीघ्र पहुँच गई। और फैक्ट्री की आग को देखते हुए सूचना पहले से मिली थी कि काफ़ी आग बड़ी है और काफ़ी लोग उसमें फंसे हुए हैं, जिसको देखते हुए गोलघर से भी एक साथ 4 गाड़ियाँ प्रस्थान हुई। साथ में मैं भी गोलघर से घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुआ। मौके पर जाकर देखा तो आग काफ़ी फैली थी। फायर सर्विस की जो गीड़ा की यूनिट थी वो आग बुझा रही थी। खबर आगरा से है, जहां बारिश के बाद छाया कोहरा, बारिश से लोग बेहाल हुए। ताज नगरी में बारिश के बाद घना कोहरा छाया रहा। बारिश के बाद लोग घरों में कैद हो गए। लगातार तीसरे दिन भी धूप नहीं निकली। लगातार बारिश, सर्दी और बारिश से लोगों का हाल हुआ बेहाल। लगातार चल रही है शीतलहर और लोग कांप रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा,
सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे। अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है, जवाब दीजिएगा। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुंच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है? हम हैं। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत में फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे इनसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपने ने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा में न्यू ईयर पार्टी मनाने गए नाबालिग का 7 दिन बाद शव मिला है। ताजगंज कलाल खेरिया का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। कलाल खेरिया में पोखर में इसका शव मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। ताजगंज थाना क्षेत्र कलाल खेरिया का ये पूरा मामला है। मेरा भाई जो तारीख को गायब हुआ था, 3 तारीख कितने बजे करीब? एक सौ ऐसे गायब था जो उनके दो दोस्त थे, उनके साथ नहीं था, बट शाम को वो बोल रहे थे हमारे साथ में 10 बजे तक था, पर हमें पता नहीं 10 बजे तक था या रात को 10 बजे तक। हाँ, रात के 10 बजे तक। अच्छा, फिर हमने उनसे पूछताछ करी थी, कंप्लेन भी कराई थी। अच्छा, ढूंढते रहे आप? हाँ सर, चारों तरफ ढूंढा था, उनकी कंप्लेन भी कराई थी। कहाँ पर? जिकलाल की रेत तोरा चौकी पे भी कराई थी, कंप्लेन कराई थी हमने। कुछ अच्छा, हर रोज शिकायत दर्ज कराने जा रहे थे सर हमारे भाई का, सब कुछ मतलब पता चला नहीं पता चला। कानपुर शहर के निराला नगर रेलवे मैदान में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जहां 2022 व्यापारी सम्मेलन के कार्यक्रम का आगाज हुआ है। प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी के द्वारा 2022 व्यापारी सम्मेलन का आज आयोजन किया गया। मंच पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, सांसद सत्यदेव पचौरी, MLC सलील विश्नोई, अरुण पाठक, मेयर प्रतिमा पांडे समेत दर्जनों भाजपाई मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश के मशहूर गायक कन्हैया मित्तल मौजूद रहे, जिन्होंने क्षमा बांधने का काम किया। घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। फरकाबाद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां फरकाबाद में दीपक की चिंगारी से घर में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पांचाल घाट चौकी से चंद कदम की दूरी पर तेल व्यापारी के घर ये भीषण आग लगी है। घर वालों ने आग लगने के बाद छत से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से इलाके में एक तरफ हड़कंप मच गया, वहीं लोगों ने दीपक की चिंगारी से घर में आग लगने का
ये कारण बताया है। तेल व किराने के थोक विक्रेता व्यापारी हरिकृष्ण के घर बड़ी मात्रा में सामान का स्टॉक रखा हुआ था। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। पूरी घटना कोतवाली क्षेत्र में इटावा बरेली हाईवे पर गंगा ढाबा के पास गांव भगुआ नगला की बताई जा रही है। यूपी के पीलीभीत जनपद में विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक से लाखों रुपए ठग लिए गए। युवक के फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करवाकर वीजा बनवाकर उसे नौकरी का झांसा देकर उसे विदेश तो भेज दिया गया, लेकिन युवक जब विदेश पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका वीजा सिर्फ विजिट वीजा है था, जिस कारण उसे निराश होकर भारत वापस आना पड़ा। लाखों रुपए की ठगी में शिकार हुए पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत सीओ को तहरीर देकर की है। आपको बता दें कि विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर वीजा बनवाने के नाम पर युवक से लाखों रुपए ऐंठ लिए। इंग्लैंड जाने पर उसको विजिट का वीजा दिया गया, इस पर वह वापस भारत आ गया। रुपए मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने उसे डरका दिया। सीओ को पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। समस्या हमारे साथ फ्रॉड हुआ है बहुत तगड़ा, और कुलवंत सिंह और मुलकीत सिंह उनका नाम है, और इन लोगों ने हमें एक स्टेटमेंट दी थी निकलवा के, हमें एक चेक दिया था फ्रॉड। क्या फ्रॉड किया आपके साथ? हमारे साथ इन लोगों ने विदेश भेजने के नाम पर बहुत तगड़ा फ्रॉड किया है। लगभग कितने लाख रुपए की ठगी हुई है आपके साथ? 20 लाख की। जिन लोगों ने ठगी की है वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये ढूंढा के। वहीं सहारनपुर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र के गांव सडोली दुलीचंद्र पर निवासी ढावा स्वामी सुरेंद्र सैनी को पॉलिथीन नहीं देने पर गोली मार दी। सूचना पर मौके पर पहुंची थाना रामपुर मनिहारन पुलिस ने गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र सैनी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनको एक दिल्ली रोड स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल सुरेंद्र की बेटी ने जानकारी देते हुए बताया कि हीरो स्प्लेंडर बाइक सवार हमलावर थे जिन्होंने उन पर हमला किया। रामपुर में कोरोना की तीसरी लहर का असर देखने को मिल रहा है, जिसके तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी पॉजिटिव पाए गए। सीएमओ में कोरोना की पुष्टि होने के बाद वह क्वारंटीन हो गए हैं। वहीं उनके साथ 42 लोगों के अंदर भी पॉजिटिव लक्षण पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके उपचार को लेकर जिला अस्पताल में मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। वहीं लोगों को जागरूक कर इस वैश्विक महामारी से बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। बलिया में नाबालिग का शव मिला है। किसानों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बलिया में गंगा के छाड़न में नाबालिग का खून से लथपथ शव मिला। खेतों की रखवाली कर रहे किसानों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। नारई थाना क्षेत्र के सोहाव गांव के समीप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बलिया की तस्वीर है जहाँ पर नाबालिग का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह आगे की जाँच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर, चार पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। मौके पर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, साथ ही 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको की उपचार के लिए मोहम्मदी सीएससी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के शंकरपुर चौराहे का बताया जा रहा है। चलिए तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता रहे हैं कि सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध हथियार बनाने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। सहारनपुर की थाना बेहट पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बेहट पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अवैध हथियार व हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाएं, इसके लिए हर थाना क्षेत्र में पुलिस अलर्ट है। उसी के तहत सहारनपुर की थाना बेहट पुलिस ने हथियार बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री को पकड़ा है, जहां से हथियार बनाने वाले 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अवैध हथियार व हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। सहारनपुर में बारिश से मौसम हुआ है सुहाना, तापमान में गिरावट आई है। सहारनपुर में दिन की शुरुआत मौसम के बिगड़े मिजाज के साथ हुई है। मौसम की बदली करवट से सुबह से ही तेज बारिश, बदलों की
गड़गड़ाहट से मौसम सुहाना हो गया। जहां एक ओर राहगीरों ने रैन बसेरों का सहारा लिया, वहीं सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। हल्की बरसात ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि थोड़ी देर के लिए सूर्यदेव के दर्शन तो हुए, लेकिन लोग जरूरी काम के लिए बाहर निकले और गर्म कपड़ों में पैक होकर निकले। सर्द हवाओं से लोगों की कंपकंपी छूटती रही, किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान देखने को मिली। यूपी के पीलीभीत जनपद में लगातार कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए शासन प्रशासन प्रयासरत है। वहीं कोविड नियमों का पालन करने के दावे पेश कर रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी सीट पर नेता शक्ति प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा तस्वीरें यूपी के पीलीभीत जिले के पूरनपुर विधानसभा से है, जो कि बीते दिनों की है, जहां भाजपा के दावेदार नेता जिला महामंत्री लेखराज भारती ने बाइक रोड शो निकालकर खुलेआम लोगों को कोरोना जैसी महामारी बांट थी। जहां सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकालकर कोविड नियमों की जमकर थच्चियां उड़ाई गई। अब सवाल यह है कि भाजपा नेताओं को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का डर नहीं, और ऐसे में शासन रात्रि कर्फ्यू लगा रहा है तो बड़ी दिन में भाजपा नेता बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं तो कहीं बाइक रैली निकालकर भारी भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।